डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में सॉलिड आपके दो तरह के हो गए, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोरफस सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टल एक ग्रीक वर्ड है जो क्रिस्टलोज से लिया गया है, क्रिस्टलोज जिसका अर्थ होता है स्वच्छ बर्फ। क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसे ट्रू सॉलिड भी कहेंगे और एमोर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस है उसके बारे में। पहला है पार्टिकल इन डेफिनेट पैटर्न थ्रू एंटायर 3D नेटवर्क ऑफ क्रिस्टल, मीन्स इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स का, एटम्स का, आयंस का एक डेफिनेट पैटर्न होता है। उस डेफिनेट पैटर्न में वो अरेंज होते हैं। एमोर्फस सॉलिड में वो पैटर्न डेफिनेट नहीं होता, सॉलिड तो है लेकिन उन एटम्स का, आयंस का जो आपका पैटर्न है, अरेंजमेंट का पैटर्न है, वो डेफिनेट नहीं होता। इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्रिस्टलाइन सॉलिड में, और एमोर्फस सॉलिड में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। इसका मतलब है जैसे हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब हुआ जैसे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है मान लीजिए, तो यहां से यहां ऐसे ऐसे चले तो सेम ऐसा ही अरेंजमेंट ऑर्डर स्ट्रक्चर है। दूर तक जाने पे क्या है, ऑर्डर स्ट्रक्चर है, यहां से इधर जाने पे ऑर्डर स्ट्रक्चर है, लेकिन आपका एमोर्फस सॉलिड में इस तरह का ऑर्डर अरेंजमेंट थोड़ी देर तो होगा लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा। थोड़ी देर ऑर्डर होगा, बाद में डिसऑर्डर हो जाएगा, दैट मीन्स शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसके बाद और लॉन्ग रेंज डिसऑर्डर। इसके बाद जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ड्रू सॉलिड है, उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट मीन्स आपका मान लीजिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड किसी का मेल्टिंग पॉइंट है किसी सॉलिड का, तो 80 डिग्री आते ही वह पूरा पिघल जाएगा। या उल्टा देखें, अगर पिघला हुआ है तो 80 डिग्री आते ही वो जम जाएगा, दैट इज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा नहीं होता एमोर्फस सॉलिड में। एमोर्फस सॉलिड मीन्स क्या होगा, पहले वो सॉफ्ट होंगे, फिर कुछ पार्ट पिघल जाएगा, कुछ पार्ट नहीं पिघलेगा, दैट मीन्स उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। इसलिए एमोर्फस सॉलिड को हमने कहा अतिशीतित द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड। मेल्टिंग पॉइंट, एट मेल्टिंग पॉइंट, क्रिस्टल को तोड़ने के लिए ऊर्जा लग जाती है, इस कारण टेम्परेचर नहीं बढ़ता। इसका मतलब देखते हैं, मान लीजिए हम कूलिंग कर्व प्लॉट करते हैं, यहां टेम्परेचर और टाइम के बीच में कर्व प्लॉट करते हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में इस तरह का कर्व आता है और आपके एमोर्फस सॉलिड में कंटिन्यूस कर्व आता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिसकंटिन्यूस कर्व आता है असतत, और आपके एमोर्फस सॉलिड में सतत कर्व आता है। मीन्स मान लीजिए यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो ठोस किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। जैसे टेम्परेचर कम किया हमने, क्या हुआ आपका टेम्परेचर कम करने पे क्या हुआ, टेम्परेचर लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट होगा और एट मेल्टिंग पॉइंट आ गया, तो वहाँ पे आपका जब तक पूरा सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो जाता टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा या नहीं कम नहीं होगा, यानी टेम्परेचर इससे यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा, कांस्टेंट, और उसके बाद कंप्लीट सॉलिड में कन्वर्ट होने के बाद टेम्परेचर उसका डाउन होने लगता है। किस में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में, ट्रू सॉलिड में। ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। जैसे ही यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट आया इसका, तो यहाँ पे इसके अंदर उपस्थित एटम, आयन आपके ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में आ जाते हैं। ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में आने से उनकी एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होने से टेम्परेचर डाउन नहीं हो पाता, और आपका जब पूरा सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड पूरा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद टेम्परेचर डाउन होता है। इसका उल्टा देखते हैं, मान लीजिए सॉलिड है, सॉलिड को टेम्परेचर इंक्रीज किया, इंक्रीज करने पर क्या हुआ आपका एक मेल्टिंग पॉइंट आने पर, जब तक कि पूरा सॉलिड
किस में कन्वर्ट नहीं हो जाता, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, दैट इज शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज क्रिस्टल तोड़ने के लिए, क्रिस्टल को तोड़ने के लिए ऊर्जा लग जाती है, इसके कारण टेम्परेचर नहीं बढ़ता। अब यहाँ पे क्रिस्टल फॉर्म में है यानी आयन ऑर्डर अरेंजमेंट में है, अब उनको तोड़ने के लिए क्या टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर तो हम बढ़ा रहे हैं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि यहाँ पे उनको आयन्स को तोड़ने के लिए एनर्जी लग जाती है, उनको जालक ऊर्जा को तोड़ने के लिए, जिसके कारण टेम्परेचर नहीं बढ़ता और इनका कर्व, और फिर आपका जब पूरा यहाँ पे पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है फिर टेम्परेचर बढ़ने लगता है, दैट इज द डिसकंटिन्यूस कर्व, किसके बीच में, टेम्परेचर और टाइम के बीच में, इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ट्रू सॉलिड का, और एमोर्फस सॉलिड में उनमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड होता है, मीन्स कुछ दूरी पर ऑर्डर्ड होता है बाकी डिसऑर्डर होता है, मतलब फिक्स डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होता है प्रॉपर, इसलिए टेम्परेचर वर्सेस टाइम के बीच में जो कूलिंग करवाता है वो कंटिन्यूस आता है एमोर्फस सॉलिड में। इसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड ट्रू सॉलिड का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एनाइसोट्रोपी पाया जाता है, एनाइसोट्रोपी, और इसमें पाई जाती है एमोर्फस सॉलिड में आइसोट्रोपी, एनाइसोट्रोपी, विषम देशिकता, आइसोट्रोपी समदेशिकता, मतलब क्या हुआ कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करेंगे तो ये मेजरमेंट इनका डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलग अलग आएगा। कैसे, इसे समझते हैं। मान लीजिए ये आपका ट्यू सॉलिड है तो यहाँ पे हम माप रहे हैं, मान लीजिए अपवर्तनांक, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स माप रहे हैं, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में मापेंगे तो देखिए इस डायरेक्शन में क्या होगा आपका, ये मान लीजिए नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, तो एक तरफ सारे नेगेटिव आयन है, एक तरफ पॉजिटिव आयन है, इसका मतलब अरेंजमेंट ऑफ आयन अलग है इस डायरेक्शन में। और यहाँ पे इस डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव 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 अल्टरनेट क्रम में आ रहे हैं, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, अल्टरनेट क्रम में आ रहे हैं एटम्स आयन्स, तो यहाँ पे क्या होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट अलग होगा, दैट मीन्स एन आइसोट्रोपी। क्रिस्टलाइन सॉलिड का बहुत इंपॉर्टेंट आपकी प्रॉपर्टी है एनाइसोट्रोपी, जिसमें जिस क्रिस्टल में एनाइसोट्रोपी पाई जाती है दैट इज ट्रू सॉलिड, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। और इसमें क्या है आपका एमोर्फस सॉलिड में कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं पाया जाता, इसलिए पर्टिकुलर किसी भी डायरेक्शन में सभी डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू का मान समान आता है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि घनीय क्रिस्टल में क्या होता है कि उनकी अरेंजमेंट इतना सिमेट्रिक हो जाता है कि उसमें एन आइसोट्रोपी की जगह आइसोट्रोपी पाई जाती है। इसका एग्जांपल है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ट्रू सॉलिड का NaCl, और एमोर्फस सॉलिड का है ग्लास है, रबर है, एटसेट्रा। इसके बाद है माइक्रो क्रिस्टलाइन पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, कुछ ऐसे सॉलिड हैं जैसे पाउडर शेप में, तो हमें ऐसे फील होता है कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, लेकिन इनको माइक्रोस्कोप से देखने पर इनमें क्रिस्टल पाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल पाए जाते हैं, इसलिए इसे हमने कहा पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड और माइक्रोक्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट फेस। फेस क्या होता है किसी क्रिस्टल का, देखिए मान लीजिए ये हम क्यूबिक क्रिस्टल की बात करते हैं, तो ये हमारा फलक हो गया, ये फलक, तो इसमें कितने फलक हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 फलक हो गए, दैट इज फेस। इसके बाद अपन बात करें तो क्यूब में कितने हो गए, पृष्ठ 6 हो गए। इसके बाद एस किनारा, दो फेस जहाँ पे मिलते हैं उसे हम कहेंगे किनारा। यहाँ पे देखिए दो फेस, ये फेस, ये हो गया एज, कितने एज हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो आपके एज हो गए इसमें 12 एज हो गए। इसके बाद दो फेस जहाँ मिले उसे हम कहेंगे एज। इसके बाद हम कहेंगे सॉलिड एंगल, घन कोण। घन कोण का मतलब क्या है, घन कोण का मतलब है कि दो या दो से अधिक फलक जहाँ मिलते हैं, फेस जहाँ मिलते हैं, यहाँ देखिए दो या दो से अधिक, 1, 2, 3 फेस मिले, दैट इज घन कोण, क्यूबिक घन कोण।
तो यहाँ पे हम घनकोण का फॉर्मूला है, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है कि ए इज इक्वल टू सॉलिड एंगल इज इक्वल टू ई प्लस टू माइनस एफ। ई यहाँ पे है आपका, ए है घनकोणों की संख्या टोटल नंबर ऑफ सॉलिड एंगल, ई यहाँ पे है किनारों की संख्या। तो आपका क्यूब में कितने किनारे हुए अभी देखे थे अपने, किनारे हुए 12। उसके बाद प्लस टू माइनस एफ, एफ मीन्स फलकों की संख्या, फलक कितने हैं फलक क्यूब में, 6 फलक है। तो हमारे पास घनकोण आ गए 8। देखें यहाँ पे 8 हो गए ना घनकोण, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, दैट इज घनकोण। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरफेशियल एंगल, जहाँ पे दो फलक के बीच में जो एंगल है, दो फलक के बीच में जो एंगल है उसे हम कहेंगे इंटरफेशियल एंगल। इस और इस फलक के बीच में एंगल है इंटरफेशियल एंगल, इस और इस फलक के बीच में एंगल है उसे हम कहेंगे इंटरफेशियल एंगल। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस, किसी क्रिस्टल की स्टडी करने के लिए पर्टिकुलर एक्स वाई जेड एक्सिस यूज करनी पड़ती है, उसकी स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर को डेफिनेट करने के लिए, पता लगाने के लिए एक्स वाई और जेड एक्सिस की उसे एक्स वाई और जेड एक्सिस के सापेक्ष उसकी स्टडी की जाती है, उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए। तो यहाँ पे जो एक्स, तो इनके बीच में जो एंगल है अल्फा बीटा और गामा कणों कोण के साथ एंगल के साथ इसकी स्टडी की जाएगी, उसे हम कहेंगे क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस। उसके बाद नेक्स्ट है अपना क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी का मतलब क्या होता है, क्रिस्टल विज्ञान क्रिस्टल की संरचना ज्यामिति व गुण का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर जियोमेट्री एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल, दैट इज क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टल की स्ट्रक्चर के लिए इकाई कोशिका, इकाई सेल, यूनिट सेल की स्टडी की जाती है। यूनिट सेल है स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट, मीन्स इसको बार बार रिपीट करने पे हमारे पास क्या बन जाता है, क्रिस्टल लेटिस बन जाता है, क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक, स्पेस लेटिस, क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक बन जाता है। यूनिट सेल का जो रेगुलर एरे है, क्रिस्टल की इकाई की नियमित व्यवस्था, दैट इज बार बार उसको रिपीट करने पे एक बड़ा क्रिस्टल बन जाता है, उसे हम कहेंगे क्रिस्टल लेटिस, क्रिस्टल जालक। और यहाँ पे लेटिस प्लेन का मतलब है जैसे आपका क्रिस्टल लेटिस बनाइए, क्रिस्टल लेटिस या लेटिस स्पेस लेटिस बना, उनके बीच में जो प्लेन, इस तरह जो प्लेन क्रिएट हुआ उसे हमने कहा लेटिस प्लेन।